जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज हो गया सारा। कोई कंफ्यूजन फाइनली? जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सबास ठीक है, खोले जी प्लीज सर, रजिस्टर खोले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सबास बेटा ठीक है। जी कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो ना, आपने रिवाइज किया कल जाके, आपको ये खबर पहुंची है? नहीं, आपको भी पता ना, आप लोगों ने रिवाइज किया है। आइडियली तो मैंने कहा था इसको सॉल्व करना चाहिए। डेप्रिसिएशन का जो मैंने एक डिफरेंट तरीके से वर्किंग की थी वो फिगर समझ आ गई। बाकी बेटा अब इस वक्त मेरे ख्याल है अगर ये अभी क्लियर नहीं कि कब यूज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन हाउ टू सॉल्व द फिगर इन अनदर वे वो तो वर्किंग समझ आ गई थी ना। कोई और कंफ्यूजन? चले फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? अपने पेजेस निकालें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले जरा क्वेश्चन नंबर 3 करें आज, जरा क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले ढूंढ दो। जी प्लीज सब लोग रेडी हैं जी? इसकी जरा रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट पेज पे, जरा चलेगी वहां से, जरा ढूंढा। वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन करेंगे, गेम फिर ऑन हो जानी आज। क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे थोड़ी सी नीचे, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 है। मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, कल वाली रिक्वायरमेंट ही है। कौन सा ईयर एंड है? 31 दिसंबर 16 अगर ईयर एंड है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1 जनवरी 2016। फर्स्ट लाइन पे आने, पिछले पेज पे क्वेश्चन पढ़ते हुए जरा पेन हाथ में रखा करें ताकि इंपॉर्टेंट चीजें को बीच में कराएं तो हाईलाइट हो जाए। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फिजान अहमद एंड कंपनी एज एट 31 दिसंबर 2015। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2016, तो 15 के बैलेंसेस हमारे लिए ओपनिंग बन जाएंगे। मशीनरी की कॉस्ट का बैलेंस दिया हुआ है और एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है 12.5 मिलियन एंड 2505000। ये हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट्स बन जाएंगे। Following additional information related to the year ended 31st December 2016 is also available. एक एक फिगर गौर से ध्यान से सोच के पढ़ें भी, मुझे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं जहां मैं पूछूं। On 1st July 16, second hand machinery was purchased for rupees 9 lakh. An amount of rupees 1 lakh was spent on its overhauling before use. Overhauling is necessary to bring it into working condition. Overhauling का बेटा मतलब होता है कि एसेट को, असल में सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो एसेट को दोबारा सही हाल में लेके आने के लिए जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई जाती है, जो मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वर्ड ओवरहॉलिंग होता है। एक वर्ड होता है सिंपली रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंसंट्रेशन एक मिनट। अगर आपके सामने कभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्ड बोला जाए तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप बताएं एसेट की कॉस्ट में फिगर जाती है या प्रॉफिट लॉस में जाती है? तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस असल में कहते हैं रूटीन की नॉर्मल मेंटेनेंस को, जो मशीनरी को कॉइल चेंज करवा लिया रूटीन में, जिस सम्बाइस वगैरह की मेंटेनेंस होती है, तो अगर नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस है तो उसके लिए तो रिपेयर मेंटेनेंस वर्ड है। लेकिन अगर कोई मेजर ओवरहॉलिंग का मतलब कोई उसे रिन्यू सॉर्ट ऑफ करवा लिया है, सेकेंड हैंड मशीनरी को दोबारा फर्स्ट हैंड टाइप बना लिया है, तो ये जो मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसके लिए फिर एक ओवरहॉलिंग वर्ड यूज होता है। वर्ड समझ आ जाएगा?
अब बताएं बाकी आपको होपफुली याद होगा इस रिपेयर इस ओवरहॉलिंग का क्या करेंगे। खरीदी कितने की मशीन? 9 लाख की। लेकिन फाइनली इसकी जब टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, एक्सपेंस आउट हो जाएगी। कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, विच मीन्स ये मशीन फाइनली हमें 10 लाख रुपए की पड़ रही है। परचेज प्राइस प्लस ओवरहॉलिंग कॉस्ट, तो फाइनली 10 लाख रुपया मशीन की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ओके प्लीज, एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी लेजर्स के एंगल से अगर देखें तो सिंपली एक शायद एंट्री बता दें, फाइनल मशीनरी डेबिट एंट्री कैश क्रेडिट बाय टोटल ₹10 लाख। मशीन परचेज ऑन 1 जून 2013 फॉर ₹2,25,000। ये बार बार नेट खराब हो रहा है, ये कौन सा लग रहा है, दूसरा कौन सा ऑप्शन है? जैसे सॉरी एक मिनट, जरा मिनट। ये देखता रहा, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज अब ठीक होगी? वो जरा नेट जरा मैंने दोबारा चेंज किया, जरा बताइएगा अब ठीक है ना? आवाज अब ठीक होगी प्लीज? चलिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दोबारा स्टार्ट करें। ये पॉइंट नंबर 2 प्लीज। ऑन 1 अगस्त 2016 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जून 2013 फॉर ₹2,25,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड क्लेम ऑफ ₹65,000 वॉज रिसीव्ड इन चेक फ्रॉम जे जे इंश्योरेंस कंपनी। इंडिविजुअली पढ़े दोबारा। ये कलाम साहब दोबारा वहीं से शुरू किया, पढ़े जरा। मशीनरी कब खरीदी थी? 1 जून 2013 को कितने की खरीदी थी? 2,25,000 की खरीदी थी। डिस्ट्रॉय बेचारी कब हुई है? 1 अगस्त 16। हमारा काउंटिंग ईयर 2016 में रखिएगा, हमारे काउंटिंग ईयर में खरीदा है या डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन 65,000 इंश्योरेंस कंपनी से बाय चेक एक क्लेम मिल गया, क्या डिस्ट्रॉय होने से पहले इसे कुछ यूज भी किया? कब से कब तक? 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 2016 तक इसे यूज भी किया। तो अब अगर ये पता चलाना है कि इस पे कोई कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है इंश्योरेंस क्लेम मिलके, तो उसके लिए पहले हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर होनी चाहिए। शायद ये पॉइंट उसी तरह का है जिस तरह ऊपर ढूंढने जरा कल क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। सोचें जरा, वहां वहां भी एक मशीन डिस्ट्रॉय हुई थी लेकिन कुछ अच्छा यूज होने के बाद थी, फिर इंश्योरेंस क्लेम मिला था। यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है सर? लेकिन बहरहाल इंश्योरेंस क्लेम क्योंकि बाय चेक मिला है तो देयर फॉर कैश डेबिट की बजाय होपफुली बैंक डेबिट हो जाएगा, तो एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। नंबर 3, मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर ₹4,35,000 वाज सोल्ड ऑन 30 नवंबर 2016 एट ₹1,40,000 इन कैश। अब एक नंबर 2 पॉइंट में मशीनरी की डिस्ट्रक्शन हुई थी, डिस्ट्रॉय हुई थी। थर्ड पॉइंट में शायद मशीनरी
कैश पे बेच रही है। दोबारा इंडिविजुअली पढ़ें जरा, डेट्स और फिगर्स जरा देखें। ये अकाउंटिंग सारी कंसंट्रेशन का काम है, जितना इन्वॉल्व रहेंगे सोचेंगे इंशाल्लाह उतनी ही बातें ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज द डेट ऑफ द परचेज ऑफ दिस मशीनरी इन पॉइंट नंबर 3? कब से कब तक इसे यूज किया होगा? 1 जनवरी 14 से लेके 30 नवंबर 16 तक यूज किया। कितने की आई थी ये मशीन? 4,35,000 की आई थी। फाइनली बेची कितने की है? क्या 4,35,000 और 140,000 का डिफरेंस लेके गेन लॉस पता चल जाएगा? कॉस्ट और सेल प्रोसीड्स को कंपेयर नहीं करेंगे, WDV चाहिए होगी और WDV बनाने के लिए हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, फैजान अहमद एंड कंपनी हमारे बिजनेस का नाम है, प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू। मींस WDV मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए रिटन डाउन वैल्यू वर्ड आ गया, ये लिख लें जरा साथ, ये समटाइम एग्जामिनर जरा रूटीन से हटके वर्ड यूज कर देता है। डेप्रिसिएशन रेट 10% है और रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट पे भी क्लाइन है। डेप्रिसिएशन और एडिशंस, एडिशंस मींस नई परचेज, डिलीशन मींस डिलीशन डिलीशन डिस्पोजल, डिस्पोजल अगर हुई है तो इज प्रोवाइडेड इन प्रपोर्शन टू द पीरियड ऑफ यूज। अंडरलाइन करें, क्या मतलब प्रपोर्शन टू? जितना अरसा एसेट इस्तेमाल हुआ है उतने अरसे के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करें। मसलन अगर 8 मंथ्स है तो 8/12, 7 मंथ्स है तो प्रपोर्शन परसेंटेज बन जाएगी जितना अरसा एसेट इस्तेमाल सॉरी हुआ। टाइम बेसिस है सिंपली है, सही है, समझ आ गया बट वैसे अगर ये ना बताया पॉलिसी तो फिर हमेशा टाइम बेसिस पे ही होता है, मंथ्स वगैरह ही डेट्स गिननी पड़ती हैं। चले वर्किंग शुरू करें, रजिस्टर खोलो। ये सारी चीजें शायद किसी ना किसी हवाले से कल डिस्कस हो गई हैं, तो मैक्सिमम वर्किंग आप लोग करवाएं, बाकी डेफिनेटली जहां कोई नई चीज होगी तो मैं डिस्कस करता हूँ। 3 लेजर्स खोले, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है प्लीज। अच्छा, आप कल क्वेश्चन किया था, आपको आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन में जो अभी हमने पढ़ा है जरा ट्रांजेक्शन्स कल से ज़्यादा है, तो देख लें आप अगर कल के लेजर्स में सफिशेंट स्पेस नहीं थी तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ ले लेंगे डिसीजन। मशीनरी काउंट क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि बिजनेस नेम अवेलेबल है यार, ये अगर नेम अवेलेबल तो लिख लिया करें, फैजान अहमद एंड कंपनी। फॉलोइंग लेजर्स नंबर 1 मशीनरी काउंट, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, ये बन गए लेजर्स, स्टार्ट लें जी। 31 दिसंबर 16 कहाँ से शुरू करें? कोई ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है? वो तो क्लोजिंग है यार पिछले साल के, लिखें पिछले साल के क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग बन जाएंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कंडी अपने हाथ से लिखें। 1,25,00
0। मशीनरी अगर है तो डेबिट बैलेंस होगा, और एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन अगर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो 12.5 मिलियन एंड एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन 2505000। तो 5505000। जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्टार्ट कर दिए प्लीज, अब साथ रहा करें प्लीज। डिस्पोजल अकाउंट का ब्रॉड डाउन याद रहेगा प्लीज अब। जी पॉइंट वाइज अब चलेंगे, पॉइंट वन दोबारा पढ़ा, मैंने पढ़ दिया आपके सामने, अब दोबारा पढ़े, सजेशन दें। What is the date of purchase? 1st July 16, 9 lakh plus 1 lakh, total 10 lakh से एक ही एंट्री बन गई। डेट लिखें 1st July 16, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट बाय टोटल 10 lakh, सिर्फ ब्रैकेट में एक वर्किंग छोटी सी लिख लें ताकि बाद में याद रहे कि 10 lakh बना कैसे। 9 lakh plus 1 lakh। ओके है सर जी ऑल स्टूडेंट्स। चलिए पॉइंट नंबर टू पढ़े, सारी डिस्पोजल आपने मुझे अभी रिवाइज करवानी है, इंडिविजुअली दोबारा सारा पॉइंट पढ़े। ये जिन हजरात के पास पेजेस नहीं बेटा, पेजेस तो ले आप, पेजेस नहीं, नहीं नहीं वो पीछे तो भाई बैग में रखा हुआ है यार, कमाल है यार। क्वेश्चन बेटा आपने सामने रख के पढ़ना यार। जी सर जी पढ़ लिए सर, सीक्वेंस में एंट्रीज करेंगे जरा ताकि बार बार एक ही तरीके से करके याद हो जाए जरा। इससे पहले कि हम एंट्रीज की तरफ जाएं अपना रजिस्टर देखें जरा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेपरेट लेजर वाली सिचुएशन है। नहीं अपना सब, अपना सभी अपना लेज, अपने लेजर अलग अलग लेजर्स बन रहे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के या डब्ल्यूटीवी पे एसेट है। तो दोबारा अगर रिवाइज करना है तो प्लीज पिछले पेजेस पे जाएं, एक समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, तीन एंट्रीज दोबारा सही में लाएं। आ जाए इधर अप्लाई करवाए जी, कैश की जगह अगर बैंक कर लें तो ज्यादा दे देंगे। बैंक क्यों कर रहा हूं, 65,000 के चेक की एंट्री बताएं, बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट लिखे अपने हाथ से, कंप्लीट साइलेंस, बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 65,000। बैंक का लेजर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। ठहरे मेरे साथ रहेगा, कर सकते हैं आप इंडिविजुअली लेकिन मेरे साथ साथ वर्किंग करें जरा, एक क्वेश्चन जरा मेरे साथ और जरा। देन दोबारा पॉइंट नंबर टू देखें, 2,25,000 की एंट्री इस वक्त हो सकती है? यस सर हो सकती है, यस सर हो सकती है सर, प्लीज सोचो सर। 2,25,000 क्या है, कॉस्ट है, तो सेकंड एंट्री कॉस्ट पे ही होनी है यार। कौन सी वाली, डिस्पोजल डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट, सेपरेट लेजर बेटा बना हुआ है, देख लेना। 2,25,000 कॉस्ट नहीं है, ये कब के किस दिन की वैल्यू है, ये जब खरीदा था तो कॉस्ट बेटा उसी दिन की होती है ना, ठीक है प्लीज। तो बोले एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट पोस्टिंग करें,
हमेशा एंट्रीज बोलते हुए अपने जहन में लाते हुए फिर पोस्ट करें, मतलब पोस्टिंग एरर हो जाता है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और मशीनरी अकाउंट में डेट भी जरा लिख लिया करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल डेट बताएंगे जरा। 1 जून, 1 जून या 1 जून या 1 अगस्त, 1 अगस्त 2016। अमाउंट आ गई 2,25,000। प्लीज एनी कंफ्यूजन, डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें क्या और क्या आगे है डिस्पोजल अकाउंट में। कैश की जगह बैंक आ गया है, एसेट की कॉस्ट आ गई है, कुछ रह गया है, क्या रह गया है? एंट्री बोल के उसके रेफरेंसेस लिखें। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सबको अपनी अपनी आवाज प्लीज आनी चाहिए एंट्रीज बोलने की, साथ वाले को नहीं सुनानी। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बगैर कैलकुलेटर वाले नौजवान इतनी दूर आज क्यों बैठे हैं? आज है कैलकुलेटर या आज भी नहीं है? जजाकला जजाकला, सामने रखे ना, ये नजर नहीं आ रहा। नहीं, सिर्फ रखना नहीं है, इसे खोलने भी तो नहीं ना गरीब को। जी सर, इसकी फिगर कैसे आएगी यार? कहीं पड़ेगी यार, बिल्कुल सही है सर। कौन सी वर्किंग बन गई? वर्किंग वन यार, आ जाए वर्किंग वन हो। अच्छा, इसका ना कल मैंने एक वर्किंग का पैटर्न आपको बताया था, वर्किंग नंबर 2 ढूंढे कल वाले क्वेश्चन में सर। अब नए नए तरीके अडॉप्ट नहीं करनी, करना है कोशिश यही करनी है कि हर क्वेश्चन में जिस तरीके से एक दफा वर्किंग हो गई है, सेम पैटर्न को दोबारा रिपीट किया जाए। नए नए तरीके, नए नए वर्किंग से पैटर्न की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग नंबर 2 ढूंढने जरा, कैसे कल मैंने की थी, कहाँ से शुरू किया मैंने? कॉस्ट से, कि जितने साल गुजरते गए अकॉर्डिंगली उतने सालों की डेप्रिसिएशन लिख लिख के WDV बनाता रहा। तो वंस अगेन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्वेश्चन देखें अपना। क्वेश्चन नंबर 2 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही है, लेकिन रेट आई 10% है, टाइम बेसिस है। तो स्टार्ट करवाएं जरा, किस डेट पे स्टार्ट करूंगा मैं? पॉइंट नंबर 2, मैं अब किस डेट से वर्किंग शुरू करूंगा? 1 जून 2013 से। किस कॉस्ट से शुरू करूंगा? 25,000 से। और कहां तक वर्किंग करूंगा? 1 अगस्त 2016 तक, 1 जून से लेके 1 जून 2013 से लेके 1 अगस्त 2016 तक हमें वर्किंग करनी है। ठीक है, पाएं साथ साथ अभी करें, इंडिविजुअली अभी रहने दें। फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, अगर हेडिंग लिख रहे हैं तो अच्छा है जरा। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, एज डॉन बताएं, 1 अगस्त, जिस डेट पे डिस्पोजल है उस डेट तक की अब हमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं? जी स्टार्टिंग कॉस्ट है 2,25,000 और डेट है 1 जून 2013। एनी कंफ्यूजन इन दिस स्टार्टिंग पॉइंट? मुझे एक साल जरूर करवा दें, उसके बाद फिर आप ठीक करना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, तो आप करिएगा। मुझे एक वर्किंग करवाएं, क्या करूं बताएं? मल्टीप्लाई 20% कर लिया मैंने, सॉरी यार, भाई ने इस कॉन्फिडेंस से बताया कि मैंने कहा शायद 20 हो गया हो, 10% दे, आगे आगे कोई नहीं। हाँ जी, आप कंसंट्रेट करें जरा। ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो होता है इसमें मिस्टेक का खदशा रहता है। इस क्वेश्चन में हमारे ईयर एंड 31 दिसंबर पे आ रहे हैं। दोबारा पॉइंट नंबर 2 में जाए जरा, 1 जून 2013 पे ये मशीनरी परचेज हुई है, किस अकाउंटिंग ईयर एंड में परचेज हुई है? 31 दिसंबर
2013 वाले काउंटिंग ईयर में आई है प्लीज यार, 31 दिसंबर 2013 वाले काउंटिंग ईयर में आई है, क्या पूरा साल उस साल यूज हुई है? तो डेप्रिसिएशन प्लीज, जब टाइम बेसिस पे कर रहे हो हम, तो खास तौर पे जिस ईयर में एसेट आया हो उस ईयर में फिर जरा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वरना अगले सालों की भी डेप्रिसिएशन WDV की बेस पे खराब हो जाएगी। तो ये प्लीज किस डेट पे मशीनरी आई है? 1 जून 13, विच मीन्स किस अकाउंटिंग ईयर में आई है? 13 वाले अकाउंटिंग ईयर में आई। तो 13 वाला अकाउंटिंग ईयर जब एंड होगा तो उस साल में कितने मंथ्स यूज हुई होगी प्लीज गिना करेंगे? अगर नहीं गिनेंगे तो 6 महसूस होंगे, और अगर गिनेंगे तो ये 7 बन जाने। तो बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, अगर 7 गिने, होपफुली आपने गिने, जून भी तो काउंट होगा ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबने गिन लिए 7 जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने गिन लिए? करें जी कंप्लीट, आगे चलो। बस ये वाला पॉइंट मैं चाह रहा था मेरे साथ थोड़ा डिस्कस होता है। 1 3। अच्छा, पॉइंट्स में अगर कभी आंसर गया बीच में तो अब ये रुपीज हैं, तो इसलिए रुपीज को राउंड ऑफ करके काइंडली लिखिए, ठीक है? इसके पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। वर्किंग करते करते अगर पॉइंट्स में आंसर चला गया तो उन पॉइंट्स को काइंडली रुपीज में कन्वर्ट करके लिखिएगा। ये अब आप खामोशी से इंडिविजुअली करें और मुझे फाइनल फिगर कैलकुलेट करके बताएं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है ये 7 मंथ्स? ये बेटा काइंडली आपस के डिस्कशन प्लीज यार अवॉइड करें ताकि दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो। कंप्लीट साइलेंस प्लीज, अपना अपना किया करें। कोई मिस्टेक अगर है तो मैं बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे से वो डिस्कस करें, वरना बाकियों को करने दें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ है और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स अब WDV से मल्टीप्लाई होगा। किया करें, कोशिश करें। तो डबल वन, आप यहाँ राउंड ऑफ से मुझे बता दें कि सही आइडिया आप लोगों का है या नहीं है। तो 1188 मेरा ख्याल करते होंगे आप, 7.5 आया, देख लीजिएगा प्लीज, राउंडिंग ऑफ पैसा बिल्कुल मैच होनी चाहिए प्लीज। 88, ओके, 7.5 बन रहा था, ओके फिगर मेरी? तो रुपीज में कहीं राउंड ऑफ कर लें, ऐसे पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। WDV बन जाएगी 2014 की 1906 8788, ये अब 7 हो जाएगा मेरा यार। राउंडिंग ऑफ में ना मुझे फंसा लीजिएगा प्लीज, फाइनल करें यार फिगर। मैंने तो 7 लिख दिया है, आप लोगों का क्या आ रहा है? बोर्ड से देख के अगर लिखेंगे तो 7 ही आना है, और क्या आना है? 8 8 पे पहले राउंड ऑफ करके फिर उसे सॉल्व करें ना अकॉर्डिंगली। अब 8 8 हो गया ना, दोबारा फिर पॉइंट्स में ना देना। ये राउंडिंग ऑफ पे प्लीज टाइम बाद में नहीं वेस्ट होना चाहिए, अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा इस वक्त। 8 7 डन है। नेक्स्ट फिगर आई 1906 9। ये सर फोर्टीन के बाद 15 की WDV आई 171 6 1 8।
सबको बताइए फिर से आ रही है। तो बोर्ड से ढूंढ ढूंढ के क्या लिख रहे हैं, कामों की तरह पहले तो नजर आ रहा था, अब एंजॉय भी नहीं करते रहना ये जो रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिगर्स ठीक है आपकी? जी तला एक मिनट जरा, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फिगर्स ठीक आ रही है? जी मल्टीप्लाइड बाय 15 से आगे चले जी, मेरे साथ 15 तक आगे बड़े सारे। अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 16 में पूरा साल चार्ज करनी है। 16 में क्या हुआ है सर, 1 अगस्त को फाइनली मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है और 2016 में फिर मंथ सारा काउंट कर दें, 7 कैसे बना रहे हैं, अगस्त क्यों नहीं शामिल कर रहे, अगस्त तो स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी से लेके जुलाई तक 7 मंथ्स काउंट हो जाएंगे सर। तो मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 7/12 आंसर आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 0001 ओके है। और फाइनली WDV दिन की आ जाएगी 1 अगस्त 2016 आंसर आएगा फाइनली 16/1/607 लिखें 6। प्लीज एनी इन द प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी सर ऊपर हेडिंग देखें, हमने तो हेडिंग क्या लिखी थी, क्या करना चाहिए, क्यूमुलेटेड वाइंड अप करें, वाइंड अप करने कल बात होगी थी। WDV आपके पास आ गई है, कॉस्ट आपका पता है, बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है और ऑल्टरनेटिव भी, आप सारी डेप्रिसिएशन को सम करके भी कर सकते हैं। प्लीज जब चीजें रिपीट हो तो कोशिश करनी चाहिए। जी जस्ट एक मिनट बेटा, सारे कर लो मैं लिखता हूँ, आप लोग अपना कंप्लीट कर लो। डिफरेंस भी लिया जा सकता है कॉस्ट और फाइनल WDV का, और अल्टरनेटिवली डेप्रिसिएशन सम भी की जा सकती है। जी ऑनलाइन आपके कितना आंसर आ रहा, जी सर जी क्या आंसर आ रहा है, क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फिगर आ गई 63,000।
63,393 फिगर आ गई। आप बेटा पोस्टिंग करें यार इसकी, किस किस लेजर में इसका इफेक्ट जाना है? accumulated appreciation debit and disposal account credit, post करें जी फिगर। 633 बताइएगा, सॉरी दो। सिक्स डबल थ्री नाइन थ्री, 633393। चल नेक्स्ट पॉइंट पढ़े जी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका पॉइंट नंबर टू फाइनल। अब पॉइंट नंबर थ्री में बेटा एक दफा दोबारा डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल की वही तीन एंट्रीज रिपीट होनी है। नंबर वन कैश वाली, 140,000 से कैश की एंट्री होगी, 4,35,000 से मशीन की एंट्री होगी, और एक थर्ड वर्किंग किसकी करनी पड़ेगी? accumulated appreciation की। तो ये तो वर्किंग होपफुली रिपीट होगी। एक सॉर्ट ऑफ कोई नई चीज रहा, एक सेकंड बोर्ड पर देखा था। अब बेटा ये जो डिस्पोजल है, जो पॉइंट नंबर थ्री में अभी हमने देखी है, ये सेम ईयर में है, मतलब इससे पहले मशीन डिस्ट्रॉय भी हुई है, और इसी सेम ईयर में 30th नवंबर, जरा डेट ढूंढा, 30th नवंबर पे शायद ये मशीन भी बेची है। तो सवाल एक जो अराइज होना चाहिए वो ये है कि हमसे एग्जामिनर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट मांगा, क्या इस सेम डिस्पोजल अकाउंट में ये दूसरी डिस्पोजल भी लिखी जा सकती है? डेफिनेटली अलहदा भी बनाया जा सकता है। कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुने प्लीज। डिस्पोजल अकाउंट का मकसद होता है कि इसमें गेन या लॉस का कैलकुलेट हो जाए जो डीलिंग रही है, जो डिस्पोजल है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि किसी एक डिस्पोजल पे गेन हो और किसी दूसरी डिस्पोजल पे लॉस आ जाए, लेकिन अगर सेम ईयर में गेन लॉस है तो वो आपस में नेट ऑफ करके भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जा सकता है। अगर एक साल में किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हो तो उनके लिए कंबाइंड डिस्पोजल अकाउंट बनाया जा सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स में डिस्पोजल्स हो जाए तो उनके लिए सेम डिस्पोजल अकाउंट क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट में जो गेन लॉस है वो ईयर वाइज रिकॉर्ड होता है। तो अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हैं और उनमें अगर गेन लॉस है भी, तो उन्हें आपस में नेट ऑफ करके अगर गेन बचेगा तो अदर इनकम में लिख देंगे, और अगर लॉस बचेगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे। लेकिन अगर डिफरेंट ईयर्स हो तो फिर हमें हर साल का डिस्पोजल अकाउंट क्यों अलहदा ही बनाना है? क्योंकि हर साल का जो गेन लॉस है उसने अलहदा कैलकुलेट होना है। तो क्योंकि ये सेम ईयर में एक और डिस्पोजल है, तो हम इसकी एंट्रीज भी इसी डिस्पोजल अकाउंट में कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली बहरहाल अगर चाहें तो अलहदा डिस्पोजल अकाउंट बनाना भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन शायद टाइम सेविंग यही है कि सेम ईयर में क्योंकि डिस्पोजल है इसलिए अलहदा लेजर बनाने की बजाय सेम लेजर यूज कर लिया जाए। मेरी बात किसी को काइंडली समझ आई है? अगर ईयर्स डिफरेंट हो, वाई 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 डिफरेंट ईयर का गेन लॉस आपस में नेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन अगर सेम ईयर है तो सेम ईयर में एक ही डिस्पोजल अकाउंट बनाया जा सकता है। डेफिनेटली यार जुमा भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बस ये डिस्पोजल की कम से कम पॉइंट नंबर थ्री की एंट्रीज हम कर लें, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद डेफिनेटली हमें जुमे के लिए भी जाना होगा। मैंने भी आज से सोचा कि आपके साथ जाया करूंगा, तो फिर अकॉर्डिंगली वहाँ क्लास रोक देंगे, लेकिन इतनी जल्दी अभी मेरा ख्याल है क्लास खत्म करने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह घर से सारे नमाज के लिए तैयार होके आए हुए हैं, एक पॉइंट नंबर थ्री कर ले, और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अपने ऐसी क्लास में आया करना। क्लास जो काउंटिंग की है अपने फ्राइडे वाले दिन, वो जरा बावजू पढ़ा कर बावजू लिया करनी है, ताकि काउंटिंग में भी बरकत रहे और यहीं से हम सीधा फिर वहां जा सकें जहां आपके जहन में आ रहा है। इंशाल्लाह जुमे की जरूर ब्रेक होगी, पॉइंट नंबर थ्री करके इंशाल्लाह जुमे के लिए ब्रेक इन अ सेंस क्लास वहीं खत्म हो जाएगी। जितना टाइम बच जाएगा उसका फिर कल सोचेंगे, तो आप रिलैक्स होकर पॉइंट नंबर थ्री सर जी सर पॉइंट नंबर थ्री स्टार्ट हो जाए सर। अपनी अपनी जरा वर्किंग शुरू करें, ये एंट्रीज हो सकती हैं। बेटा आवाजें काइंडली खत्म रखा करें यार प्लीज। सर 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 ये खास तौर पर जो मास्क लगा के भाई बैठते हैं
ये पता नहीं चलने देते मुझे कि बातें कर रहे हैं। तो आई होप कि मास्क का मिशन ये नहीं है। मास्क डजेंट मीन्स कि पता ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मास्क वैसे भी भाई को सही आवाज नहीं जा रही, वो मजा नहीं आ रहा उसे भी, तो बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है, उससे बेहतर सवाल कर लिया रहे। तो प्लीज ऐसा नहीं करें, डिस्टर्ब खुद भी हो रहे हैं और बाकी को भी कर रहे हैं। अगर एक ही साल में एक से ज्यादा डिस्पोजल्स हो भी जाएं और उन दोनों में अगर गेन है तो प्लस हो जाएगा, दोनों में लॉस है तब भी प्लस हो जाएगा, और अगर गेन लॉस है भी तो नेट भी अगर हो जाएगा तो सेम ईयर है। अब अगर इसे हम बैलेंस करेंगे तो एंड में तो फिर एक ही वर्क फिगर आएगी। कुछ भी नहीं होगा सर, और सर जी सब कुछ वही होगा सर, वर्किंग करें सर खुदा का नाम, और डिस्पोजल वैसी ही होगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि दोबारा टी अकाउंट बनाने की बजाय इसी लेजर में लिखें, बिस्मिल्लाह पढ़े करते हैं जी सर। नहीं बेटा जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हैं बना लें, वो तो यहाँ भी बन सकता है, जरूरत नहीं है। मतलब डिस्पोजल अकाउंट सेग्रीगेट करने कंपल्सरी नहीं है, कर लेंगे तो शायद इशू भी नहीं है जी बेटा। यहाँ पे क्योंकि सेम ईयर में डिस्पोजल है इसलिए डिस्पोजल अकाउंट सेम यूज हो सकता है। ठीक है ठीक है बेटा, ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था जी, कैश की एंट्री सुनाई थी, कैश डेबिट बाय 140,000, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कॉस्ट की एंट्री बोले, डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट अमाउंट क्या थी 435, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इसकी जरा डेट बताइएगा डिस्पोजल की, 30 नवंबर 2016, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 4,35,000। ठीक है प्लीज जरा देख लें, डिस्पोजल अकाउंट में मेरी पोस्टिंग ठीक है, कैश आ गया है और मशीनरी की कॉस्ट आ गई है, वंस अगेन सिर्फ क्या रह गया है, ये वर्किंग अब आपने इंडिविजुअली करनी है, वर्किंग नंबर 2 बनाए, और ये जो मशीनरी अब डिस्पोज हुई है इसकी खुद से वर्किंग फाइनल करा जरा। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट की फिगर वर्किंग नंबर 2 में जाएं, सब लोग प्लीज खुद से करें ताकि ये बहस बस जितनी है उतनी ही खत्म हो जाए जी सर। कौन से ये बेटा, इस सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सवाल खत्म हो गया है जहां तक मैंने पढ़ा था, बाकी मैं खुद बताऊंगा वो क्या लिखा हुआ है। उस गरीब को इग्नोर करना सर, वो अगली बात लिखी उसके, अगर इस तरह करेंगे तो उसके आगे सवाल नंबर 4 भी लिखा हुआ, उससे आगे देखेंगे सवाल नंबर 5 भी है, तो खुदा का नाम ले, जहां तक बात होगी वो तो कर लेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है वो मैं बाद में बताता हूँ, इन चक्करों पड़ गए। जी राव सीब साहब, मशीनरी की बाइंग हमारे वाले साल में है ही नहीं है, हमने बेटा 2016 की वर्किंग करनी है, तो 2016 में तो मशीनरी परचेज ना हुई है, मशीनरी तो परचेज हुई थी पिछले सालों में, तो ये तो ब्रॉड डाउन में आ रही होगी। ठीक है सीब साहब, सॉरी दाई सीब साहब, ठीक है प्लीज। तो हमारे वाले साल में डिस्पोजल आ रही है, ये आप लोग इंडिविजुअल वर्किंग करें जी, ये ना मैं भी रुका हूँ और आप भी रुके हो, वर्किंग नंबर कौन सी हो रही है इस टाइम, कंप्लीट करें प्लीज। जब चीजें रिपीट हो तो इंडिविजुअली अपने हाथ से गुजारें। परचेज डेट थी इसकी फर्स्ट 14, इसकी जरा परचेज डेट बताइएगा। ठीक है बस 1 जनवरी 14 करें आप बाकी।
राउंड ऑफ वेयर एवर इज नेसेसरी, और सही राउंड ऑफ करें। जी 16 वाले ईयर में, हाँ जी मन सही काउंट करें। जी सर जी वर्किंग हो रही है सही भाई की, कुछ गुजारा ये लास्ट लाइन वाले हजरात ओके प्लीज आ रहा। ये लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की आएगी? 11 कहाँ तक काउंट किए? नवंबर क्यों गिना है? नवंबर भी कंप्लीट हुआ है यार, 30th नवंबर। जी 11/12 करके फिगर आपकी आ रही है शायद 3222 9, 3222 9 ओके सर। तो फाइनल डब्ल्यू डी भी आई आपकी 320051, और ये डब्ल्यू डी भी आपके पास आ गई 30th नवंबर 2016। लेकिन हमें इन फिगर्स को कैलकुलेट इसलिए करना पड़ा ताकि हमारे पास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाए। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन शायद बनेगी 1149449, 1149449। मैं इस वक्त अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वर्किंग्स रिपीट हो रही हैं ये आपसे हो रही हैं। yes, अगर कोई इश्यू है तो प्लीज जरूर बताइएगा, ये ना हो कि आगे हम इसी तरह चलते रहे बोर्ड से देख के लिख के, इसका फिर फायदा कोई नहीं है। ये इंडिविजुअली वर्किंग होनी चाहिए। अब एनी कन्फ्यूजन पोस्टिंग करें, पोस्टिंग जिन्होंने कर ली है सोचें क्या रह गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फिक्र आ गई 1149449। आपका सबका हो गया कैलकुलेट 9114। मैं जस्ट एक मिनट पोस्टिंग कर लूंगी। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट 1149449, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। पोस्टिंग प्लीज गलत ना हो। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में किधर लिखा? एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। चले बेटा एक आखिरी चीज सुने इसके, बेटा डेप्रिसिएशन रह गई है। डेप्रिसिएशन मेरी सजेशन है कि जरा इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखिएगा। जरा मैं चाह रहा हूँ जरा ये डेप्रिसिएशन आप इंडिविजुअली वर्किंग करें, करने की कोशिश कर सकते हैं। कल वाला क्वेश्चन निकालें एक मिनट जरा, वर्किंग नंबर 3। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में वर्किंग नंबर 3 करते हुए दो तरीकों से डेप्रिसिएशन सॉल्व की थी। आपसे मैं ये रिक्वायर करूंगा, ये या कहें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
ने जो क्वेश्चन नंबर वन में डेप्रिसिएशन में से दो वे से सीखी है उसको जरा अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं फिर आपसे कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? मीन्स उसे आप गौर से देखिएगा अपना क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री हो रहा, और फिर जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते होंगे उस तरीके को जरा अप्लाई करके देखिएगा, फिर वो किस तरीके से क्यों नहीं हो सकी और किससे हो सकती है वो इंशाल्लाह फिर कल मैं खुद डिस्कस करूंगा, ठीक है? प्लीज, तो ये आखिरी पॉइंट मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ा कि कल आपने आके बोर्ड से देख के लिखना, इसलिए छोड़ा कि आपने इंडिविजुअली ट्राई करना, ठीक है प्लीज? और सैटरडे को प्लीज कोई ऑफ नहीं है, रेगुलर क्लास होगी अपने रेगुलर टाइम पे, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। ये अगर किसी ने फिगर्स में से मैच करनी है तो ले मैच कर ले, बाकी ठीक है जिन्होंने जाना है, ओके ओके इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, ओके फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। ये देख लिया अपने फिगर्स, ये देख रहा है, अल्लाह हाफिज।